कुछ ही दिनों पहले मैंने एक मतलब कुछ हफ्तों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से आप घर पर सिर्फ 40 रुपए में, यानी कि मतलब एक बहुत कम पैसों में, बहुत सस्ते में, आप किस तरह से एक छोटा सा पोर्टेबल एयर कूलर बना सकते हो, या फिर उसे आप एसी भी कह सकते हो। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को, यहाँ पर आई बटन आपको दिख रहा होगा, आप उस बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। और वो वीडियो जो था आपको, आप में से बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मतलब मैंने सोचा कि यार क्यों ना आज हम एक फ़ैन बनाए, यानी कि एक पोर्टेबल टेबल फ़ैन, जो टेबल फ़ैन होता है मतलब बिल्कुल छोटा सा, मतलब जिसको हम टेबल पर माउंट कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल छोटा सा फ़ैन होता है, जो कि वो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम बनाएं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो कुछ भी दिखाया गया है पूरी सेफ्टी के साथ किया गया है, तो आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर करना ही है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों वैसे मैं नहीं चाहता कि आपका जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, मतलब मैं समझ सकता हूँ कि जो वीडियो था एयर कूलर वाला, जो वीडियो था वो बहुत बहुत ज़्यादा लंबा था, तो मतलब आप में से बहुत से लोगों ने शायद वीडियो पूरा ना देखा हो। मतलब मैंने क्या किया आज, मैंने सिंपली क्या करूँगा, बहुत देखो ये जो प्रोजेक्ट है मिनी पोर्टेबल फ़ैन बनाने का, मतलब जो पोर्टेबल फ़ैन होता है बिल्कुल छोटा सा, वो जो प्रोजेक्ट है वो है बहुत ज़्यादा सिंपल, लेकिन मैंने उस प्रोजेक्ट को जो था, मतलब ये जो चीज़ थी मैंने ऑलरेडी मतलब पहले से इस चीज़ को बना लिया हुआ, तो मैं फटाफट से ज़्यादा टाइम आपका भी नहीं वेस्ट करूँगा, मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ मैंने कैसे बनाया, क्योंकि बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ भी हमने नहीं किया, तो देख ही लो क्या किया हमने। वैज हमने सिंपली देखो क्या, यहाँ पर देखो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से देखो इस चीज़ को, इस चीज़ को ना थोड़ा ध्यान से देखो और समझो कि मैंने किया क्या। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि हो सकता है अगर मैं बोलूँगा ज़्यादा तो आपका टाइम वेस्ट हो, तो देख सकते हो मैंने क्या किया। अब मैं वो जूम इन करके दिखा देता हूँ, देख सकते हो मैंने क्या कुछ किया हुआ है। मैं आपको अब मैं बता देता हूँ क्या है। यहाँ पर देखो एक मोटर है 100 RPM या मतलब 120 RPM की होगी, जो छोटी सी मोटर हमने यूज़ किया 120 RPM की। यहाँ पर क्लिप कनेक्टर है 9 वोल्ट बैटरी का, जो बैटरी के साथ जो क्लिप कनेक्टर यहाँ पर लगाते हैं ये वो है। और ये यहाँ पर हमने एक लगाया हुआ है एक ऑन ऑफ का स्विच, पीछे की तरफ हमने की हुई है यहाँ पर थोड़ी सी वायरिंग का काम, मतलब यहाँ पर वायर्स वगैरह हमने सब जोड़ दी हुई हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करने वाला हूँ। बस सिंपली आप देख सकते हो हमने किस तरह से जोड़ा, बिल्कुल एक मतलब एक छोटी सी चीज़, मतलब एक मोटर के साथ ही हमने सारी चीज़ें एक साथ जोड़ दी, मतलब ज़्यादा कुछ भी हमने नहीं किया कि हमने कार्डबोर्ड के पीसीज यूज़ किए, कोई और चीज़ यूज़ की, इसमें लगाया वो लगाया, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक छोटी सी एक मोटर के अंदर ही हमने सब कुछ फिक्स कर दिया। अच्छी तरह से हमने ग्लू गन लगा दी यहाँ पर, हॉट ग्लू की मदद से ग्लू गन की मदद से हमने सारा कुछ अच्छे से एक साथ लगा दिया। यहाँ पर हमने वायरिंग अच्छे से फिक्स कर दी ताकि ज़्यादा हिले डुले ना, और जिस तरह का मतलब एक छोटा सा हमारा पोर्टेबल फ़ैन बन जाता है। अब मैं इसको यहाँ पर जो है मैं एक बैटरी के साथ इसे कनेक्ट करके दिखाता हूँ, मैं इस बैटरी के साथ जो है इसको लगा देता हूँ। अच्छा ऐसे लगेगा कि कुछ इस तरह से जो है मैं इसे लगा देता हूँ, कुछ इस तरह से जो है हमारा पोर्टेबल फ़ैन बन चुका है। देखिए कुछ बिल्कुल, आप इसका साइज़ देखो कितना है, मेरे हाथ में मैंने इसको रखा हुआ है, और देख लो साइज़ देख लो आप इसका कितना है, देखो मतलब बिल्कुल मेरे हाथ के अंदर आ गया, देखो मतलब बिल्कुल छोटा सा फ़ैन है, सब कुछ हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मतलब मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर अब स्विच यहाँ पर क्यों लगाया, मतलब इतना बिल्कुल मतलब कॉम्पैक्ट सा साइज़ बनाया मैंने इसका, ज़्यादा मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं किया, ज़्यादा वायरिंग नहीं की, ज़्यादा कार्डबोर्ड के पीसीज नहीं यूज़ किए। क्या उसका कारण क्या, मतलब क्या होता है ना, बैटरी जो है कभी कभी आपकी डाउन हो जाती है, मतलब 10 से 15 मिनट कंटिन्यूसली आप इस बैटरी को यूज़ करते हो तो इसकी बैटरी जो होती है डाउन हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, आपको हो सकता है दूसरी बैटरी की ज़रूरत पड़ जाए, तो मतलब आप दूसरी बैटरी का भी यूज़ कर सकते हो। मतलब ऐसे करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर स्विच यहाँ पर लगा देते, समझो यहाँ पर मैं स्विच लगा देता, देखो जो स्विच है मैंने यहाँ पर लगाया, अगर ये स्विच यहाँ पर होता या फिर कहीं पर भी लगाता मैं इस चीज़ को, स्विच को या फिर किसी भी चीज़ को, तो क्या होता हमें स्विच को बार बार जो है अलग करना पड़ता, फिर उसकी वायरिंग दोबारा से लगानी पड़ती, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। मतलब मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अगर आप भी बनाने का ये चीज़ सोच रहे हो तो मैं आपको यही कहूँगा, आपको मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप इसी तरीके से बनाओ, क्योंकि सबसे ईजी और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो प्लीज़ मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप बनाना चाहते हो तो आप इस तरह से ही बनाओ। आपको दिखाता हूँ किस तरह से काम करता है। यहाँ पर हम सिंपली छोटा सा फ़ैन लेंगे, देखो एक फ़ैन है बिल्कुल छोटा सा, ये भी छोटा सा, ये इसकी साइज़ इतना होगा। अब मैं इसको इसके अंदर लगा देता हूँ कुछ इस तरह से, और ये इसके अंदर लग चुका है। अब हम इसका जो है स्विच जो है ये देखो यहाँ पर स्विच है ना इसका, अब मैं इसको ऑन कर दूंगा, ये मैंने स्विच कर दिया ऑन और ये फ़ैन हो गया स्टार्ट, देखिए। और ये तैयार है हमारा छोटा सा
पोर्टेबल फैन, बिल्कुल छोटा सा। ये रहा हमारा छोटा सा फैन, देखिए कितना छोटा है, देखिए देखिए देखिए। अब बताता हूँ मतलब क्या होगा ना, कंटिन्यूसली हम यूज़ करेंगे इसको, जो बैटरी अब गर्म होना शुरू हो जाती है, हम मतलब स्विच ऑफ किया और ये जो पूरा का पूरा यूनिट है, मतलब बात क्या है, मतलब आपको क्यों कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को अगर आप पोर्टेबल फ़ैन बनाने की सोच रहे हो तो इसी चीज़ को क्यों बनाओ, मैं आपको बताता हूँ। बैटरी डाउन हो गया, फिर आपको क्या आता है, बैटरी थोड़ी महंगी होती है इसकी, ज़्यादा आपको कोई और प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है कभी कभी, तो अब क्या कर सकते हो, सिंपली इसको इस तरह से खींचा, मतलब इसको इस तरह से पकड़ना थोड़ा ध्यान से, और इसको इस तरह से अलग कर दिया, हो गया आपका काम। और अगर बैटरी गर्म हो जाए या फिर बैटरी ख़राब हो जाए तो आप दूसरी बैटरी का यूज़ कर लो, सिंपली, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मतलब यार बस ये दिखाना चाहता हूँ, मतलब यूट्यूबर आप भी बहुत सारी वीडियोस देखी है मैंने भी, मतलब पोर्टेबल फ़ैन ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, मतलब वो बहुत मतलब क्या होता है, काफ़ी मुश्किल होता है वो, मतलब कोई बना नहीं पाता, कोई नहीं बना पाता। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप भी इस तरह से बना सकते हो, कोई कार्डबोर्ड का मैंने एक भी पीस नहीं यूज़ किया, कुछ भी नहीं यूज़ किया, सिंपली बस एक छोटा सा, देखो यहाँ पर एक छोटा सा ये यूनिट है, बिल्कुल छोटा सा, देखो बिल्कुल एक छोटी सी चीज़ है, बैटरी है और फ़ैन है, बन गया हमारा टेबल फ़ैन, सिंपल। और भाई गाइस, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वाला आइडिया, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है, मुझे पता है वीडियो मेरा आइडिया नहीं है, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी यूट्यूब पर, लेकिन जो ये छोटा सा बनाने का, जो बिल्कुल एक छोटे से साइज़ में इसको बनाने का, बिल्कुल कॉम्पैक्ट सा साइज़ था, तो ये वाला आइडिया आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो जो लाल वाला बटन है उसको दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और किसी और प्रोजेक्ट के साथ, कोई और वीडियो, किसी और ट्रिक, मतलब कुछ भी आ सकता है अगली वीडियो में, वैसे मैं बताऊँगा तो नहीं, तब तक के लिए बाय बाय।